क्या मेरे से तनु कह दी मंच पे, मेरा भाई है वो भी पूछा और कुछ महिलाएं भी आई हुई जो मेरा बड़ा प्यार करती हैं, बच्ची भी आई हुई है, तो कह दीदी हम आपको, हम बहुत दूर जाना, भोजपुर से आई हुई थी दीदी, हमें बहुत दूर जाना, हम आपको सुनना है। मैंने कहा बेटा थोड़ा टाइम लगा दो क्योंकि और लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो एक घंटे से सवा घंटे से बैठी हुई थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे से तो भैया ये कह दिया कि पहले सारे संगठन की अनुमति लेकर आओ जब मंच पे बोलन देंगे। तो ये मंच वही है, गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ मैं, ठीक, ये मंच वही है। मेरे से तो ऐसे कह दिया, हो सके जितनी महिला बोल रही हैं सारे संगठन की अनुमति लेके बैठी हो वहाँ और वे अनुमति लेके बोल रही हो, भाई ऐसे भी हो सके? क्या पता इनके संगठन के बोलने अनुमति लेने वाला व्यक्ति बोल सके मंच पे, ऐसा भी तो हो सके है? तो मुझे मेरे को तो वो जो लड़की थी वहाँ पे उसने कहा जी ये जो है मेरे को परमिशन नहीं है कि जो है आप पूनम पंडित यहाँ बोले, आप पहले पूरे संगठन की अनुमति लेकर आओ। अब अनुमति लाने में 4-5 दिन लगेंगे ना, 40 संगठन है इस जो आंदोलन कर रहे हैं किसान मोर्चा मंच का नेतृत्व में चल रही हूँ, जो मंच यहाँ पर लगा हुआ किसानन को, तो ये जो है जो अनुमति मेरे से लिवाना चाह रहे हैं वो तो लड़की जानती नहीं, मैं तो आज पहली बार उससे मिली हूँ, उसे क्या पता कौन किस बात को कहलवा रहा है। तो ये पूछो ना उनसे जाके जो मेरे से मंच वो कह रहे हैं कि तुम अनुमति लेकर आओ, पूछो उनसे क्यों नहीं बोलने दिया, काहे को ना बोलने दिया, मुझे क्या पता क्यों नहीं बोलने दिया, मेरी क्या गलती है भाई, हम तो आए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मंच लगा हुआ ये तो किसानन का मंच लगा हुआ, अब क्या ये सारी महिला जितनी आज बोल के गई हैं 8 मार्च 2021 में यहाँ महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बॉर्डर पर, क्या सारियों ने अनुमति ली थी 40 के 40 संगठनों से है? ये सवाल आप उनसे करना कि क्या आप अनुमति लेके बोली थी मंच पे। मैडम आप तो पिछले कई महीने से यहाँ पे पूरा अपना सहयोग कर रही हैं और आप यहाँ पे आपको नहीं बोलने दिया गया, क्या शोषण मानती हैं आप? बिल्कुल है, नारी को नारी भी दबाती है, ठीक, जो मेरे वाले के मैटर में पहले हुआ, और नारी को आदमी भी दबावे, सारे तो नहीं दबाते, मुझे कुछ लोग करते हैं इस काम को, जब पहले भी मेरी गैल करा तो ये शोषण कर रहे हैं मेरा, मेरा शोषण करके तुम कहीं नहीं जा पाओगे और मेरा शोषण तुम कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं कि परमिशन लेकर आओ, 40 संगठन जो मैं परमिशन लेकर आऊँ, 40 से यहाँ परमिशन लेकर महिला बोलेंगी, जितनी महिला यहाँ लंगर चला रही है क्या परमिशन लेकर बैठी हुई है वे हैं? वे यहाँ मेहनत कर रही थी, 3 महीने हो गए, 102 दिन हो गए, तो कुछ लोगों का आंदोलन इसका मतलब होगा, इनकी मारी इनकी निगाह में होगा, जब तो नहीं बोलन दिया मुझे, आपने देखा मैं वहाँ 1 घंटे से 1.25 घंटे से बैठी हुई थी, 1.25 घंटे बैठे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में नंबर आएगा बोलेंगे, भाई अच्छी बात है महिला दिवस है बोलेंगे, तो मैंने जब मैंने कहा क्लियर कर लेते हैं, जब वो लड़की ज़्यादा परेशान हो गई, ज़्यादा महिलाएं वहाँ जाने लगी, पूनम पंडित को कितनी देर में बुलवाओगे, पूनम पंडित कितनी देर में बुलवाओगे, तो मैंने उनसे कहा आंटी रुक जाओ आप थोड़ा सा, अभी बहुत सारी लेडीज़ हैं, किसानों की लड़ाई नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात, जितनी बात वहाँ पर हुई तो मैंने कहा इनसे पूछो कि मैं यहाँ बोलूँगी या नहीं, अच्छा नहीं लगता कि सभी महिलाएं मेरी वजह से मंच को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो लेडीज़ थी वो कह रही थी पूनम पंडित बोले, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, पूरे मंच चल रहा बीच में कोई डिस्टर्ब करे, तो मैंने कहा ये क्लियर पूछ लो इनसे, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी पूछना, मैं बिल्कुल पास ही में वहीं खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैम देखिए यहाँ पर जितनी भी बैठी हुई हैं सभी अपने आपे में कुछ हैं मंच पे, और जो पूनम पंडित हैं उनको 40 संगठनों की अनुमति लेकर आनी पड़ेगी जब गाजीपुर बॉर्डर पे मंच पर बोलना पड़ेगा। आपको किसने मना किया? कमेटी से मैं बात करूंगी, अभी तो यही हूँ भाई पूनम जी, और इस बात को बिल्कुल लिखित में करूंगी, घबराओ मत, पहले जो हुआ जिन्होंने पहले रोका मैंने रूपरेखा ना बदले आंदोलन की, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन अब खुल के बतावेंगे ना, खुल के हर चीज दिखावेंगे ना कि क्या क्या हुआ क्या क्या करो। आज महिला दिवस है, हाँ तो महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं मंच पे, यहाँ महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, अपमान करने आ रहे हैं, ये तो बड़े लंबा चौड़ा बोलते हैं महिला, बताओ ना आप, फिर आप ही देखो हम किस लिए बैठे आंदोलन में, आपको आज का दिन है मैडम जी, आपको जो मना किया गया है किसी पुरुष ने मना किया है, किसी महिला ने मना किया है? देखिए वो जो महिला वहाँ पे संचालन कर रही है उसको कुछ नहीं पता, मैं तो आज पहली बार मिली हूँ, सिर्फ उन्होंने मुझे कहा गया होगा, हाँ जब ही तो उन्होंने कहा वो क्या जाने, उन्होंने कहा कि पूनम पंडित जो है, मैंने कहा मैं बोलना चाहती हूँ, दो शब्द अपने रखना चाहूँ, तो उन्होंने मैं वहीं पकड़ी हुई थी, वे मैडम भी कह रही थी, एक आंटी कह रही ना बुलवाओ, तो उन्होंने कहा देखो इनको बोलने के लिए मंच की अनुमति लेकर आओ 40 संगठनों की जब पूनम पंडित यहाँ बोलेंगी, इतनी बात उन्होंने कही है मेरे से, मुझे नहीं पता उन्होंने किसको कहा भाई, वो तो यही आपको लगता कुछ ही लोगों का भाई, देखिए पूरे किसानों का भाई, देखो आंदोलन तो किसानन का हो सके भैया, यूं मंचुन का हो नहीं है, पूरे ऐसा भी तो हो सके, आंदोलन तो जन आंदोलन है और पूरे किसानन का, नहीं नहीं आप बार बार जब उन्होंने क्यों बुलवाया फिर बार बार ये ना कहो कि एक आदमी का, तो ये महिलाओं के साथ में क्या कर रहे भाई, मैंने अपने लिए कुछ मांगा क्या? पूरे सुन लीजिए, देखिए ये जो आंदोलन है पूरी जाति का आंदोलन है, पूरे धर्म का आंदोलन है, ठीक, पूरे धर्म का आंदोलन है, पूरी जाति का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन वहाँ पे मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, ये सवाल का जवाब मैं थोड़ी दे सकूं उनसे, लो परेशान कर रहे क्यों कर रहे हैं आप, पूछो ना जाके, फिर भी मैं आती हूँ आऊंगी, मेरा अधिकार है, मैंने इनको सहयोग करा, इनकी इन हरकतों से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, किसानों के साथ ही हूँ रहूंगी, नहीं नहीं आपको रहना रहना भी चाहिए, आप ये ना
कहोगे मतलब नहीं ये मंच जो है देखिए आपके सहयोग से आशीर्वाद से जितने भी मेरे किसान बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद प्यार मोहब्बत दिया। देखो मैं यहाँ खड़ी हो गई ना, ये मेरे बुजुर्ग मेरे साथ खड़े, ये भी एक मंच हो गया। ये सवाल आप उनसे करो ना जाके, क्यों नहीं बोलने दिया ये उनसे पूछना, मुझे क्या पता क्यों नहीं बोलने दे भाई, मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही हूं। आप कमेटी से पूछ लो, क्या बात हुई है आप कमेटी से बात कर लीजिए। आप बेटे इतना नहीं लाइव देखिए, कमेटी से बात करने के बाद लाइव आऊंगी मैं अपने पेज से, मैं अपने पेज से लाइव आऊंगी। जनता मुझे इतना प्यार करती है, युवा इतना मुझे सहयोग करता है, क्या युवा नहीं है यहाँ पे? क्या मुझे प्यार करने वाले लोग नहीं है? नहीं, क्या ये बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद नहीं देते, प्यार नहीं करते? आऊंगी अपनी परेशानी तो बताऊंगी, समस्या बताऊंगी। मेरे से तो ये दो शब्द कहे, मैंने तो कहा नहीं इनसे कि तुमने क्यों कहे क्यों ना कहे। अब ये बात आप उनसे पूछना ना, क्या आपको लगता है कि मंच की जरूरत है, आप अपनी आवाज कहीं? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी आवाज कहीं से उठा सकती हूँ, मुझे नहीं है बिल्कुल भी जरूरत। ध्यान रखना, मुझे मंच की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आवाज अपनी सच की होनी चाहिए, ठीक, अधिकार की होनी चाहिए। मैंने किसानों के लिए आवाज उठाई, इनके साथ हूँ, रहूंगी। महिलाओं का सहयोग इतना मिला, उनके साथ रहूंगी। इन युवाओं के कहीं से भी मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ। मंच उन्हें देना जिन्हें जरूरत हो, जो मंच के पीछे भाग रहे हैं उन्हें देना, ठीक। मंच की भी लड़ाई है नहीं, इनकी होगी भाई, मेरी नहीं है। मैं तो यहाँ हूँ, रोड पे खुश हूँ, मैं रोड पे खुश हूँ और बहुत खुश हूँ। मीडिया वालों का मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत आप लोगों ने सहयोग करा, इन सभी लोगों ने करा, तो मैं तो यहाँ भी बहुत खुश हूँ। दुखी तो वे लोग हैं जो मुझे इस तरीके की बातें कहते हैं, मैं क्या करूँ भाई बताओ। डर लगता है क्या कुछ लोग? पूछ लियो उनसे जाके, उनसे पूछ लेना। अभी उनसे पहले आप नेता बन जाओ भैया। देखिए मुझे तो नेता ना बनना, मैं तो नहीं ठीक हूँ। और लेकिन जिन ऐसे ऐसे झूठे लोगों की अगर मेरी वजह से हालत खराब होती है तो पूरी हालत खराब करूँगी, ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला तो पहले से ही भैया आ गए हैं और बढ़िया लग रहा है क्योंकि आज पहली बार बॉर्डर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो बढ़िया लग रहा है। सारे काम पहली बार ही हो रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो होली भी पहली बार ही बॉर्डर पर मनेगी तो बढ़िया लग रहा है क्योंकि सभी धर्मों के साथ सारे काम हो रहे हैं, सभी जात के, क्योंकि किसान जात एक हो गई, एक किसान जात है, इसको लोग समझ रहे हैं, तो इनके साथ सारे त्यौहार मनाने में बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। एक इसी किसान आंदोलन के जरिए दिशा रवि हो चाहे नवदीप कौर हो, उनको जेल भी जाना पड़ा है। देखो हम कभी किसी बढ़िया काम को करें, सच्चे काम को करें, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, ठीक। लेकिन जो सच्चाई थी, पटियाला कोर्ट ने दिशा रवि को रिहा कर दिया और सहसम्मान से, और ये कह दिया कि इनके जो सबूत थे कुछ ऐसा नहीं मिला, तो उन लोगों को बुद्धि आनी चाहिए जो पुलिस वाले भी हैं जिनमें, और जो और भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों के कहने पर ऐसे गिरफ्तार करने लग रहे आंदोलन जो सहयोग कर रहे हैं, जो कृपया करके ऐसे लोगों के चक्कर में ना आवे, ये आपको झूठा साबित करना चाह रहे, मेरा अनुरोध है प्रशासन से भी। पूनम जी आप एक मतलब काफ़ी सनसनी बनी हुई है सोशल मीडिया पर, और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हमारे देश में सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे ही जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटे में करीब 90 महिलाओं से दुष्कर्म होता है हमारे देश में, क्या कहना है इस पर आपका? ये आंकड़े अभी के, पहले भी ऐसे ही आंकड़े, ये अभी के है ना, और पहले क्या है? पहले थोड़े कम थे ना, दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतने मन सुई सरकार को चुना वो, ठीक, और उसके बावजूद ऐसा काम हो रहा, और नए नए घोषणा पत्र मांग रहे हैं ये, वोटिंग करवा के बंगाल में जाके हैं, और कि घोषणा पत्र बताओ का कहाँ चाहिए का कहाँ चाहिए। अरे जो देश में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी पहले घोषणा कर रहा कि उन्हें निकाल लो, उन्हें कर लो ना पूरी घोषणा, जी भी काय को बन रहे हो, पूरे देश में ऐसा माहौल हुआ पड़ा, देख लो आप क्या हुआ हथरस में जो पहला वाला कांड हुआ, जो तेल को छिड़क गया उस लड़की को, वो अंतिम संस्कार करा गया, अगर उस पर सख्त कार्रवाई होती ना, और दो चार ये जो जिन्होंने ये पुलिस वाले ने सहयोग करा, अगर उनके दो चारन के खिलाफ बढ़िया कार्रवाई होती तो यूं मेरे हिसाब से दूसरा नहीं होता जो वो लड़की रो रही है।